हाँ तो भाइयों, अगर आपका भी पीसी रेगिस्तान में घोड़े भगा भगा के पूरी मिट्टी से अंदर भर चुका है, तो आज हम इसको जो है ना देसी तरीके से पूरा जो है ना इसकी अंदर की मिट्टी एक एक चीज़ जो है ना पूरी से साफ़ कर देंगे। और उसको साफ़ करने के लिए हमें चाहिए कुछ ये अपने देसी औजार, जिसमें ब्रश है, पेचकस है और ये चेवर वगैरह आप इसे कह लें। और इसके अलावा जो है ना हमें एक चाहिए होगा अपना पुराना कोई कपड़ा, ये उसके लिए मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ बनियान। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं इसके स्क्रूज़ वगैरह खोलूँगा, और देख रहे हो कि भाई पन्नी वन्नी सब चढ़ी हुई है बेहतरीन एकदम, मगर अंदर से जब इसको खोल कर देखेंगे तो क्या हालत जो है ना देखने को मिलती है। भाई ये तो डायरेक्ट ही खुल गया, साइड में स्क्रूज़ रखते जाते हैं इसके, और एक नीचे वाला भी दो स्क्रूज़ हैं। ये केस जो है मेरे ख्याल से थंडर श्रेडर, बिल्कुल हल्की चेसिस, जिसमें पंखे उनके भी मैंने शायद दुकान से लड़ा के जो है ना पंखे वगैरह लिए थे। तो यहाँ पे भाई ये आराम से इसके शीशे को नीचे करते हैं, और भाई इसका शीशा उतर गया और इसके शीशे को रख देते हैं यहाँ साइड में। तो अब इस पीसी को हम लोग लिटा देते हैं। तो लिटाने के बाद अब यहाँ पे अंदर देख सकते हो कि कितनी सारी मिट्टी भरी हुई है। तो मिट्टी को सबसे पहले साफ़ करने के लिए जो है ना आपका भाई पहले इसकी केबल्स वगैरह जो है ना निकालनी पड़ेंगी, सारे इसके जितने भी जो है आप यूँ समझ लें कि हार्ड ड्राइव जो है हार्डवेयर वगैरह सारे हमें इसके रिमूव करने पड़ेंगे। करते हैं रिमूव भाई, आ जाओ भाई। सबसे पहले तो हम इसकी जो है ना सारी पिन वगैरह निकालेंगे। यहाँ पे इसकी ये ग्राफिक्स कार्ड पिन निकल गई, ठीक है। फिर इसके बाद ये मदरबोर्ड की 3 वोल्ट 5 वोल्ट 7 वोल्ट अलग अलग वोल्टेज की पता नहीं कितने इतने इसको वोल्ट चाहिए होते हैं भाई, अच्छा खासा पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये बड़ा हार्डली मुश्किल से निकला। उसके बाद जो है जो जो चीज़ें हमें नज़र आती जा रही हैं भाई सब निकालो। ये इसकी रैम भी निकाल दी, पता नहीं 8 GB की रैम लगी हुई है इसमें। और अब जो है इसमें प्रोसेसर वाला जो पावर यूनिट है बढ़ा सकते हैं, इसके प्रोसेसर वाला जो है पावर यूनिट वगैरह मैंने निकाला। अब ग्राफिक्स कार्ड की तो निकाल दी है, तो यहाँ से इसके नीचे होता है एक पिन, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे देखो भाई आपको नज़र आ रहा होगा एक पिन, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हमें ये इसका स्क्रू खोलना पड़ेगा। अब जो है मैं इसके ग्राफिक्स कार्ड को स्लाइडली यूँ करूँगा, हल्का सा यहाँ से ऊपर उठा। तो यहाँ पे भाई अब बारी आती है इसके साटा का कनेक्टर, यहाँ से मैंने इसका हार्ड ड्राइव से भी रिमूव कर लिया पावर, और बाकी ये इसकी मेरे ख्याल से फ्रंट का USB का है, ये फ्रंट का USB है और इसके USB 3.0 लिखा हुआ भी है, और बाकी ये इसकी IO फ्रंट की इसका कनेक्टर ये भी मैंने रिमूव कर लिया, और ये फ्रंट की SD ऑडियो भी है USB 2.0 का जैक होगा, ये USB का जैक है, और ये है कोने में फ्रंट ऑडियो के जैक वगैरह का जैक, ये भी हमने रिमूव कर लिया। तकरीबन सारी तारें ही हमने रिमूव कर ली हैं। ये जो है प्रोसेसर के केबल की वायर, ये बैक फैन की वायर, ये भी रिमूव हो गई। और अब बारी आती है प्रोसेसर को रिमूव करने की। तो यहाँ पे भाई इसमें ये तो जो है ना अलग अलग तरीके से कोई सा भी बंदा प्रोसेसर जो है उसके साथ जो है ना यूज़ कर लेता है, मगर मेरे ख्याल से ये यहाँ से हो गया रिमूव। और यहाँ पे देखो भाई थर्मल पेस्ट और अंदर मट्टी वट्टी देखो कितनी भरी हुई है। तो भाई यहाँ सबसे पहले जो है हम इसकी हार्ड ड्राइव रिमूव करेंगे। हार्ड ड्राइव रिमूव करने के लिए अगेन आपको इस तरह का स्क्रू ड्राइवर इसको खचाक से फौरन स्विच किया, जल्दी से इसके एक यहाँ पे दो स्क्रूज़ हैं, एक यहाँ पे आपकी केस में अलग अलग जगह या तो जेक लगा हो सकता है, या तो फिर कह सकते हैं कि स्क्रू भी लगा हो सकता है। अब बारी आती है मदरबोर्ड को रिमूव करने की।
हाँ तो भाई सबसे पहले जो है ना हम लोग इस केस को साफ करते हैं, बड़ा बड़ा जो है ना पहले इसकी फैंस वगैरह में जो भी डस्ट वगैरह है वो इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आगे आने वाला है गेमिंग सीज़न, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं और गेमर्स तकरीबन जितने भी होते हैं ना वो ज़्यादातर विंटर्स में ही गेमिंग वगैरह करते हैं। अलबत्ता गर्मी में ना बेजारियत होती है, बंदा एक जॉब वाला वो थका रहता है, और इसके अलावा जो है फिर रात में जो गर्मी होती है तो फिर वो रेस्ट करे या गेमिंग करे। सर्दियों में तो ये होता है, विंटर्स में वो इजीली वरी फ्री होता है, और सिस्टम वगैरह भी ज़्यादातर लोग गर्मियों में अपना विंटर्स में बिल्ड करते हैं। तो भाई यहाँ से ये फ़ैन को मैं पहले ब्रश लगा दूँ, देसी तरीका अपना यूज़ करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम लोग इन फैंस को यहाँ से साफ़ करेंगे, और अगर यहाँ से जो है मैं इसे साफ़ करने लगूँगा तो इसकी दूसरी साइड रह जाएगी, तो इससे बेहतर है कि एक साइड साफ़ होगी और दूसरी साइड रह जाएगी। तो यहाँ पे इसके फ्रंट को जो किसी भी तरह कोशिश करें कि फैंस निकल जाएँ, तो यहाँ पे इसके फैंस के तो दो स्क्रू हैं फर्स्ट, मगर यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो इसलिए ना इस अंडर शेडर में जो है इसका फ्रंट जो पैनल है इसको रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे कहीं स्क्रूज वगैरह तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं इसके, तो मेरे ख्याल से हाँ यहाँ पे अगर आप देखो ये इसके जो है कब्ज़े हैं यहाँ पे अलग अलग बने हुए, आपकी हो सकता है कि इसमें भी सेम हो या अलग अलग हो, तो यहाँ पे इसके होल्स दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ हाँ, तो भाई अब बारी आती है इसके दूसरे फैन को, बैक के फैन को साफ़ करने की, तो इसको भी साफ कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई अब आएगा हमारे काम ये बनियान, जिससे जो है ना हम ऊपर की सारी मट्टी जो है जो उसको हमने वो किया है जस्ट बिकॉज़, क्योंकि ये कॉटन का है तो इजीली जो है ना सारी डस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो गाइस अब बारी आती है इसके फ्रंट के पैनल को साफ़ करने की, इसमें भी बड़ी ज़्यादा मिट्टी है, इसके केबल्स वगैरह हम लोग साफ़ करते हैं यहाँ से, सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं। Thank you.
तो गाइस फाइनली जो है ना, हमने अपने पीसी को पूरा एक एक कोना हमने इसका मट्टी से साफ कर लिया है। यहाँ पे आप ग्राफिक्स कार्ड वगैरह भी देख सकते हो भाई, ग्राफिक्स कार्ड पूरा एकदम जो है साफ हुआ हुआ है बेहतरीन तरीके से। फिंस में एक डस्ट पार्टिकल तक नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि ये यूज़ भी बहुत कम हुआ था। और इसके अलावा आप इसकी जो है केस वगैरह भी देख लो, अंदर पावर सप्लाई में भी इतनी डस्ट नहीं थी तो वो भी साफ़ की। रैम वगैरह की डिम सिर्फ साफ होंगी, हार्ड ड्राइव वगैरह भी साफ़ हो गई है, और मदरबोर्ड भाई प्रॉपर जो है हमने क्लीन कर दिया है। और केस वगैरह तो आपके सामने ही देखा कितनी मेहनत की, उससे मेहनत करने के बाद जो है ना ये इससे मट्टी साफ हुई है इसकी। बाकी इसके फैंस वगैरह की जो है डस्ट, वो भी हमने प्रॉपर ब्रश वगैरह से अच्छी तरह अंदर से भी साफ़ की। और इसकी जो प्रोसेसर की जो हीट सिंक है, इसकी भी अंदर जो है ना डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी जो हीट का काज कर रही थी, तो वो भी हमने जो है ना बेहतरीन तरीके से साफ़ कर ली। और जो है इसका फ्रंट का जो केस का जो पैनल है, ये भी हमने जो है ना बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, एयर फ्लो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और गाइस इस केस जो है इस पीसी को क्लीन करने का जो प्रोजेक्ट था वो जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इस सिस्टम को पूरा रीबिल्ड करने की, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इस वजह से मैं जो है इस चीज़ को नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा जो है पार्ट टू, जो कि 2 या 3 दिन में मैं अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो गाइज़ अगर आपने वीडियो इंजॉय की हो, बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेन आया हो किस तरह हमने जो है ना देसी तरीके से इस पीसी को क्लीन किया, आप भी बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो गाइज़ वीडियो अगर पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।